एक क्वेश्चन दे आंसर तो उस वीडियो जिस दे नीचे तुसी क्वेश्चन पूछे हैं उस दे अनुसार ही दिते जाएंगे। ये है डेट ऑफ एडिशनल पेपर्स इन पंजाब, है ना, ग्रेजुएशन एंड बीएड सरकारी नौकरी के लिए, ये वगैरह वगैरह। सो क्वेश्चन है रमनदीप कौर दा, क्वारी है मेजर एसएसटी मिल रहा है। ऑलरेडी पहला मैं ये देख लाँ कि की तुसी पढ़िया है, इन्होंने ग्रेजुएशन विच जोग्राफी है, हिस्ट्री है। बिल्कुल रज, ठीक है, जोग्राफी हिस्ट्री दी बेस्ट एसएसटी आप तुहाडा बन रहा है। इलेक्टिव इंग्लिश है, बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश ले रहे हैं तुसी, तुहाडी क्वारी है, 3 साल पढ़े हैं, वेरी गुड। गवर्नमेंट जॉब लई सीधे एलिजिबल हो। वांट टू कंपीट फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी इन इंग्लिश, इंग्लिश एसएसटी तुहाडा हो गया है, इंग्लिश लई तुसी पीजीटी भी करना चाहते हो, सिर्फ तुसी एमए इंग्लिश भी की हुई है, बिल्कुल ठीक है, बेस्ट कॉम्बीनेशन। मेरे वालों कोई भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तुहानू तुसी ऑलरेडी बीबे स्टूडेंट बन के चल रहे हो। एसएसटी दियां पोस्टां भी ज़्यादा होंदियां, इंग्लिश दियां भी ज़्यादा होंदियां, लेक्चरशिप दियां भी ज़्यादा, और तुसी तीनों लिए एलिजिबल बनते हैं। बहुत घट स्टूडेंट होंदे ने जिहड़े बीएड के दौरान 3 पोस्टां लिए डिफरेंटली एलिजिबल इको वक्त होंदे हैं। सर प्लीज़ रिकमेंड सबजैक्ट कॉम्बीनेशन। राजे तुसी एसएसटी मिल रहा है ना, क्या है, एसएसटी मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, और माइनर इंग्लिश जाके लेना है। कित 0.01% भी कुछ होर नहीं चेंज करना, एसएसटी और हिंदी इंग्लिश ही, तुसी इंग्लिश ही लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुड, थैंक यू फॉर दिस, प्लीज़ बीएड एडिशनल दे फॉर्म, ये मैं बाद विच दस दिना हाँ। सर एडिशनल पेपर पास होने ये भी मैं दस दिना हाँ। सर पोर्टल विच, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू चोज फिलिंग आ रहा है बी एड एडमिशन एंट्रेंस, मैं बाद विच क्वारी कर रहा हाँ, मार्क्स गुड आ गए ने तुहाडे। सर बी सी ए लई सबजैक्ट कॉम्बीनेशन दस दो प्लीज़। बी सी ए विच ए प्रोस्पेक्टस विच ही लिखा है, बी सी ए ग्रेजुएट में ऑप्ट फॉर पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, नंबर एक तुहाडा कंप्यूटर साइंस पक्का है हर हालत एज ए सबजैक्ट, अदर सबजैक्ट शैल बी पैडागोजी ऑफ मैथेमैटिक्स। ए बेशक तुहानू ऑप्ट हो जाएगा, पर इसका फायदा मेरे ख्याल च नहीं होएगा। ये तुसी सर्टिफिकेट अपना जिहड़ा डीएमसी उस विच देखना है कि 3 साल मैथ्स मैं पढ़िया है, जां मैं 3 साल मैथ का अडिशनल पेपर दे सकदा हाँ। जे तो अडिशनल पेपर दे सकते हैं, कई बार 6 या 9 पेपर होंगे ने, पर हुण सेमेस्टर विच होर डिवीजन होएगी, 1 साल लगेगा, उस तो बाद तुहानू बी एड विच मैथ पढ़े का फायदा होएगा। दूसरा है, कारण यह है कि मैथ्स का कंपैरिजन मैं हुण लैंग्वेज ना करन लगा हाँ, मेजर तो तुसी कंप्यूटर ले लिया है, ओके, लेकिन माइनर जो है वो लैंग्वेज क्यों बैटर है, क्योंकि मैथ्स नू पढ़ना नॉर्मली डिफिकल्ट लगता है, पर जेकर तुहाडा शौक है, तुहाडा नॉलेजेबल तुसी ज़्यादा फील करते हो कि मैं मैथ विच हाँ, कॉन्फिडेंट हो और दे सकते हो इन्हें, क्योंकि थोड़े स्ट्रैसफुल हो सकते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट दे भी रहे ने, उन्हां दा नंबर भी दे सकता हाँ कि जे उन्हां नू की चैलेंजेस फेस होए ने। सो मैथ दा जो लैंग्वेज ना कंपेयर करो कि फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश तो पंजाबी है, इस दा हर यूनिवर्सिटी हो जाता है नंबर एक, और दूसरा ये नालों ईजी है अडिशनल देना, अडिशनल तुहानू देना ही पैना है, क्योंकि 3 साल इंग्लिश या पंजाबी इलैक्टिव नहीं पढ़ी होएगी, 3 साल पढ़ी होएगी, इलैक्टिव नहीं पढ़ी होएगी। सो नॉर्मली संस्कृत नहीं होएगा, हिंदी भी नहीं होएगा, तुहानू इंग्लिश या पंजाबी ही मिलेगा। तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन मेरे मुताबिक बनता है कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज या इंग्लिश, और कंप्यूटर साइंस पंजाबी, दूसरा तुसी तीसरा मैथमेटिक्स सोच सकते हो, जेकर तुसी मैथमेटिक्स घट्टो घट 1 साल पढ़िया है तां मिलेगा, पर उस तो बाद एडिशनल करना पड़ेगा। इस तो इलावा कोई होर चॉइस नहीं है। जे कंप्यूटर साइंस विच कोई होर सबजैक्ट पढ़िया जाता है उसकी जानकारी तुहानू देनी पेगी, उस तो बाद मैं दस सकदा हाँ। सो वापस चलते हाँ, ये कंप्यूटर वाले सारे ही वैसे देख लैन, इसका अलग वीडियो ही पा दिना हाँ, जां इहदे विच दस दवांगा कि ये कंप्यूटर वालों का है। वापस आप आ गए हाँ इत्थे, ओके। सो गवर्नमेंट जॉब लई तुहाडा, तुसी कह रहे हो बी सी ए गवर्नमेंट जॉब लई तुहाडा कंप्यूटर बनेगा, कंप्यूटर की जॉब कदों निकलती है ये नहीं है श्योर हाँ। दूसरा जिहड़ा इंग्लिश तुसी लैने हो वो तुसी अडिशनल करके गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल बन जाते हो, जिनी भी जानकारी दिना हाँ गवर्नमेंट जॉब के मुताबिक ही तुहानू मिलेगी। सर मैंने बी ए विच पोलीटिकल साइंस हिस्ट्री इलैक्टिव हिंदी, बस काफ़ी है, पोलीटिकल साइंस हिस्ट्री है, एस एस टी राजे लै लो बेस्ट है।
और इलेक्टिव हिंदी है 100% इथों नहीं हिलना एसएसटी हिंदी ये तुसी तुहानू यूनिवर्सिटी तो मिलेगा कॉलेज जाके हिंदी मिलेगा हुण तुहाडे लई गाइडेंस की है कि जिहड़े कॉलेज तुसी जाना चाहते हो उत्थे माइनर हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए है चेक कर लियो जे नहीं है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर विच शायद नहीं है जां किसी होर कॉलेज विच नहीं है बहुत घट कॉलेज हैंगे जिथे नहीं हुंदा तो फिर तुसी वो कॉलेज शिफ्ट तुहानू करना चाहिए है मुझे भी एडिशनल एग्जाम देना पड़ेगा प्लीज़ टैल मी मुझे बहुत कन्फ्यूजन नहीं है नहीं अगर तुसी पोलीटिकल साइंस ली है राजे तो इलैक्टिव हिंदी है तुहानू कोई नहीं देना पड़ेगा नो ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐੱਮ ਏ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਐੱਮ ਏ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਐੱਨ ਡੀ ਯੂ ਦਾ ਐਫੀਲੇਟਡ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਦ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ये हो गया मैथ्स मैं मन के चलना कि तुसी 3 साल पढ़ी है जनरल पंजाबी नहीं सी एस फिजिक्स की है फिजिक्स भी हम 3 साल पढ़ी होएगी कंप्यूटर साइंस भी 3 साल पढ़ी होएगी जे 3 साल है पढ़ी हुई तो मैथ थोड़ा बन रहा है बी एड ले मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे कॉलेज दे चूज़ कर ले लाइकली टू बी गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर स्कोर 105 है गुड है स्कोर अच्छा है तो तुसी मैथ्स मेरे ख्याल है उन्हों को मैं भी उत्थे ही उस कॉलेज बी एड की है उत्थे ही पढ़िया हाँ मैथ्स है उन्हों को मैथ्स तुसी मेजर ले सकते हो दूसरा तुहाडा गवर्नमेंट कॉलेज देखना पैना है तुहाडा फिजिकल साइंस ही बनता है फिजिकल साइंस जिहड़ा है तुहाडा तुसी पी जी टी लई एलीजिबल हो गए वो उदों होवोगे जो तुसी फिजिक्स या कैमिस्ट्री फिजिकल साइंस की एक पोस्ट ग्रैजुएशन कर लोगे जे इस तो इलावा मैथ्स का फायदा है जानते ही तुसी 3 साल जो पढ़िया होया है इलैक्टिव सब्जेक्ट है तो तुसी एलीजिबल बन जाओगे इस तरह और जे एम एस सी मैथ्स करते हो नाल ही तुसी जिहड़ा है पी जी टी लई मैथ्स लई एलीजिबल हो जाओगे बेस्ट तुहाडा कॉम्बीनेशन जिहड़ा है क्योंकि कंप्यूटर साइंस भी है कंप्यूटर साइंस तो हम देखना पैना है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दे रिलेटिवली घट निकलदियां हैं मैथ दियां पोस्टां निकलदियां है निकलदियां रहणगियां हमेशा ही चिर सदाई ट्रडिशनल और सदाबहार जिहड़ा है वो मैथ्स है साइंस फुल है लेकिन इत्थे पी जी टी लई है सो तुसी जे हुण मैथ नूं मेरे हिसाब नाल तुसी रैंक 1 ते रखो और कंप्यूटर साइंस या ए तुसी अपनी चॉइस है किधर जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबिलिटी है इट मीनस थोड़ा मेजर मैथ बनिया कंप्यूटर साइंस जाके मिल रहा है लेकिन माइनर च मेरे ख्याल है या नहीं है तो उत्थे देखना पड़ेगा दूसरा जे उत्थे मेजर माइनर मैथ है तो कंप्यूटर साइंस मेजर है तो कंप्यूटर साइंस लैके माइनर उत्थे जाके मैथ लै सकते हो क्योंकि कॉलेज जाके मैथ मिल जाना है इतों जिहड़ा अलॉट होनी है उस प्रॉब्लम आ सकती है जे नहीं है तो फिजिकल साइंस फिल करके जां ए मैथ दे नाल फिजिकल साइंस फिर के इनू मेजर लैके इस नू कर सकते हो तुसी एक चॉइस है कि फिजिक्स जां मैं कंप्यूटर साइंस विचों केड़ा लेना है उदों ही तुहाडा डिसीजन हो जाएगा नैक्सट है हाँ 105 अच्छे स्कोर ने शाबाश तुहाडे अच्छा होर भी लिखा है सर प्लीज़ टैल के मैं मेजर सब्जेक्ट साइंस रखा फॉर टी जी टी साइंस तुहानू नहीं मिलेगा राजे साइंस नहीं मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਮੈਥਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਗੁੱਡ ਸਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਪੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਜਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਰੀ ਮੈਥ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਬੀ ਏ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ
नहीं हाँ तुम आ देखो टी जी टी गवर्नमेंट लिए होना ना एलीजिबल गवर्नमेंट जॉब ली तो तुम तो चुनना पैना है सोशियोलॉजी भी बड़ी पोलीटिकल साइंस भी तिने सोशल साइंस पढ़िया है 100% इन्नी ज़्यादा एलीजिबिलिटी थोड़ी तो बनती है 100% एस एस टी लो एस एस टी ना टी जी टी लिए गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल बनते हो बाद विच तुसी बी एड करन तो बाद जे क्योंकि एम एस सी जोग्राफी की हुई है बी एड करन तो बाद तुसी पैडागोजी ऑफ पैडापू अद्धा लिखांगा पैडागोजी ऑफ जोग्राफी जिहड़ा है इहदा अडिशनल पेपर दे दिओ फिर तुसी पी जी टी जोग्राफी लिए भी एलीजिबल हो जाओगे पर उहदियां पोस्टां रिलेटिवली घट ही निकलदियां ने सो तुहाडा बेस्ट कॉम्बीनेशन है एस एस टी दे नाल लैंग्वेज कोई भी लै सकते हो तुसी ले हो सका पंजाबी तुसी कह रहे हो यूनिवर्सिटी बोर्ड चो प्लीज़ सुजैसट कर दो टी जी गवर्नमेंट लिए एलीजिबल हो सकता पंजाबी तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी बोर्ड चो प्लीज़ मैनू गल नहीं समझ लगी कर दो सर जिदे नाल टी जी टी गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबल हो सकता पंजाबी यूनिवर्सिटी बोर्ड चो प्लीज़ सर सुजैसट कर दो मैनु इन्नी गल नहीं मेरे थोड़ा मैं ये दस रहा हाँ कि एस एस टी ते पंजाबी ये थोड़ा बेस्ट कॉम्बीनेशन बनता है दूसरा एस एस टी इंग्लिश और जिहड़ी ये लैंग्वेज तुसी लेंदे हो उसका बाद विच तुहानू अडिशनल देना पएगा क्योंकि तुसी 3 साल बेशक पढ़ी है इलैक्टिव नहीं पढ़ी इसलिए वो अडिशनल तुसी बी एड दे नाल ही दे सकते हो यूनिवर्सिटी पंजाबी चूज़ करते हो तो मेरे ख्याल ज़्यादा चांस ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी शायद कराती है क्लास की जिम्मेवारी है मैं एक दो दिन पता करके ही इसका दस दिना हाँ और पी एस टैट या सी टैट देखो जोड़े मैसेज कर रहे हैं इट मीनस मोटिवेटेड ने टैट की तैयारी नाल भी कर सकते हो मैं टैट की ही तैयारी तक नहीं कह रहा सिलैक्शन टैसट की भी तैयारी नाल शुरू करो जरूरी नहीं मेरे चैनल तो करनी है जितों मर्जी जितों अच्छा लगता जितों जो मिलता अच्छा जितों भी मिलता लै लो ठीक है सो जरूर कर लो ता जो दो साल के लोग तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने जॉब मैं क्यों वो वीडियो पा रहा कि मैरिट लिस्ट वाली टी जी टी की भी पा देंगा इसलिए क्योंकि बा सिर्फ बी एड कुछ भी नहीं है सिलैक्शन टैसट ने जान कढ़नी है उसने बहुत मेहनत करवानी है एस एस टी की मैं करवावगा जरूर सर मेरे रूरल एरिया स्कूल के सर्टिफिकेट तो सरपंच की ये हो गया है सर सी टी बी एड एंट्रेंस टैस कदों आ चुका है तो आप पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिया से हूँ रिजल्ट नहीं ये बार बाद की गल करते हैं ये क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ कंबीनेशन की गल कर रहा सर मैं बी एम ए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बी एड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो करनी है मैं अडिशनल पेपर किमें दे सकती हाँ हाँ थोड़े लिए प्रॉब्लम है बी ए तुसी इहदे विचों कीती हुई है तो बी एड पंजाब यूनिवर्सिटी चो नहीं ये पॉसीबल नहीं होएगा माइग्रेशन लेना पाएगा ये पॉसीबल नहीं है फिर भी मैं एक रिक्वायरी जरूर कर दाँगा तुहानू उस यूनिवर्सिटी रहिंदे आ तां कर सकदे आ अदरवाइज़ तुहानू बाद विच बी एड तो बाद विच फिर बी ए दे एग्जाम देने पैणगे कोई चारा नहीं है सॉरी नैक्सट है सर प्लीज़ मैनू भी दस दो कि मेरा कोल हिस्टरी इकनोमिक्स हिंदी है बहुत अच्छा हिस्ट्री इकनोमिक्स हिंदी है थोड़ा बहुत ज़्यादा वधिया सब्जेक्ट है एस एस टी बहुत सिखदा गवर्नमेंट जॉब लिए एलीजिबिलिटी बन रही है हिंदी इलैक्टिव है ना पढ़ी हुई तो एस एस टी हिंदी थोड़ा बन गया जनरल पंजाबी इंग्लिश है बेस्ट है इसनों नहीं छड़ना यही लेना है 100% दोनों के लिए एलीजिबल हो तुसी ठीक है इधरों हिंदी की एम ए कर लेंगे उस तो बाद पी जी टी हिंदी लिए भी एलीजिबल हो जाते हो नैक्सट है कौर 3333 सर प्लीज पाई मेरा पोलीटिकल साइंस हिस्टरी तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये रहा पोलीटिकल साइंस तो हिस्टरी राजे बहुत अच्छा है एस एस टी मिल गया तो गुड और कंप्यूटर एप्लीकेशन है एस एस टी ना कंप्यूटर एप्लीकेशन मिलती है एक बार देखना पड़ेगा देख लें हाँ एस एस टी के नाल कंप्यूटर एप्लीकेशन इतने जाके ये रहा ये है ना ये एस एस टी का होएगा मेजर माइनर है ह्यूमैनिटीज़ के बी एस सी नॉन मैडिकल है बी एस सी मैडिकल है और ये अगे आ गया कॉम्बीनेशन ग्रेजुएट बी ए बी ए बी कॉम बी ए बी एस सी लैंग्वेज कंप्यूटर ओके आर्ट्स ये है एस एस टी कंप्यूटर साइंस देखना है कि मिल रहा है एस एस टी लैंग्वेज है एस एस टी कंप्यूटर एस एस टी ना मिलन का कारण यह होंगे है कई बार क्योंकि एस एस टी एग्जाम कदों होना है यह देखना जरूरी है ये कॉम्बीनेशन इस तरह बने होंगे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने पूछा सी एस एस टी तो हिस्ट्री लैनी है एग्जाम सेम डे होंगे इसलिए नहीं लै सकते एस एस टी फिजिकल एजुकेशन है देखो एस एस टी लैंग्वेज है एस एस टी फिजिकल एजुकेशन है इतने नहीं है
और SST ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਮਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ SST ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ PGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਤਾਈਏ ਔਰ ਕਿਆ ਮੁਝੇ ਵੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 11th ਟਾਈਮ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹਾਈ ਰੱਬਾ ਸੋਰੀ 11 ਵਾਰ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪ PGT ਕੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ SST ਨੂੰ SST ਤੁਹਾਡਾ TGT ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ BA ਕਾ ਆਪਕੋ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ ਅਗਰ ਆਪ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ BA ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ SST ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ SST ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ SST ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ BED ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡੀਸ਼ਨਲ BED ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫੋਰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ ਗਾਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ BA ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹਿਸਟਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ SST ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ SST ਤੁਸੀਂ TGT ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡੀਸ਼ਨਲ BA ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਓਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ PUP ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਸਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ 8-10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ BA BED ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਜਰ ਤੁਹਾਡਾ SST ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਓਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BED ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ PGT ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ